विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेव को, अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखना। समाहित शिव कथा कह रही है महाराज। वरतंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र बेलपत्र सुख देने वाले। शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता, शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उसके जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस बीच में, कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है घर में, जिनकी संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाए और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा
हे स्कंद देव, हे कार्तिक, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानन कार्तिक है भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानन कार्तिक है, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर दे। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिक को वर प्रदान कर देते। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है, पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है, एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी, क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमा रहा है? सुबह 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे। अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीब बड़ा भी अगर धन कमा रहा है तो वो दो रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है भैया मुझे रोटी दे दो, भैया दो रुपया दे दो, वो रुपया लेकर रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख मैं भीख मांग कर खाता हूं तो भी समय पर रोटी खाता हूं, और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। 10 बजे का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है, फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं, समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है, समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी एक
भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान कर आना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो, उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह लें। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तब कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़े, प्राण तो छूटे, तो हमें वर दो, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तीन पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। तीन पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों निवास कर, तीनों ने निवास किया। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी, पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहे हैं। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने, और सुंदर महल का निर्माण कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकाग्रित नहीं होंगे। यह हमको सीखने की बात है, शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, यह शिव पुराण सिखाती। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का ना किसी का रहना जरूरी है, ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिके चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने जाकर तीन पुरियों को भस्म कर दिया। तीन पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देव अधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिया, और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे, जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए, और शीश गिरा नेपाल में तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं है, शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया, शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष की को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया, भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य
अस्त्र अस्त्र और पाशुपति व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, पांच सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है, छह दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर तीन हिस्से होना, छह दिए को रखकर पांच दिए प्रज्वलित करना, तीन हिस्से प्रसाद के हो जाए तो दो हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, एक हिस्से को और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना, बाबा से प्रार्थना कर। छठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में, राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे पांच व्रत। पांचवें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी एक स्वाद दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित, बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते पांच व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना, बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता है। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे हैं, कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये पांच दिन की शिव महापुराण की कथा में एक दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव तत्व। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तन्तु। महर्षि वर्तन्तु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तन्तु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तन्तु जो कह देते थे, महर्षि वर्तन्तु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तन्तु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तन्तु ऋषि, महर्षि वर्तन्तु कोत्स से कहते थे। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तन्तु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तन्तु महर्षि बैठ जाते, एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था, उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर, आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में, संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते ना। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तन्तु के पास में आए। क्यों? बस वर्तन्तु के पास में हम पहुंचे उनको लेने। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पर सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तन्तु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब
पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड़ लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने दो बार व्रत कर लिया भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी। सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो, छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं, छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया, बेटी ने तीन बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना, क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगा दी तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से, मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी दो व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। शिव भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं शंकर की आराधना, हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता रही हो, मन विचलितता में, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करना। वरतंतु जी के लिए कहा आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौश की परीक्षा लेने वरतंतु जी ने, कौश की परीक्षा लेने के लिए वरतंतु एक बात अपने शिष्य कौश के सामने कहे, कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र। उस तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उसे
क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना है। कौशल, अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वरतंतु ने कहा कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको बोलिए, शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल है। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे करा, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा रहे हो, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है वो कथा या वर्णन कर। वरतंतु जी ने कहा, वरतंतु का अब वरतंतु ने कहा कोष, एक कोष मैंने जो तुमको विद्याध्यन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं। आप बोलिए कोष, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़ सोने की मुद्रा। कोष की आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता, फिर भी गुरु ने मांगा है मैं लाकर जरूर दूंगा। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते, गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत सदगुरु शिव का उपासक भगवान की भक्ति करने वाला दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है, वो सहज नहीं है। गुरु एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं, ऐसी प्रेम भी ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला उसकी बहन की शादी गुरुजी से कर रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास क्या छाती पे बांध के मरेगा, इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कब अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा, वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना था। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मंगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए, राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहां से आए, ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहां से आए, मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं।
मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे। तुम चिंता मत करो, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए, राजसिठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार पीताम्बर रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लगाया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे, गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ, किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। कमजोर नहीं, अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात करते हो, हम कहते हैं ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब जब जरूरत पड़ी मेरा महादेव सामने आया है, कभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है, कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं, शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र, क्यों ना दे। आप अपनी भक्ति के बल को तो बढ़ाओ। गुरु अपने हाथ से अपनी झोली में से धन निकालकर 50,000 1,00,000 2,00,000 5,000 2,000 गुरु कभी नहीं देगा। गुरु आपको अगर धन दे देगा तो फिर गुरु किसी काम का नहीं, गुरु अगर देगा तो ऐसा समान ऐसी कृपा ऐसी दृष्टि गुरु दे देता है जिससे जिंदगी में तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो गुरु देता, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े वो गुरु कहता है। आज तक इस व्यासपीठ से आपको कभी भभूति दी, अरे बोलो जम के, कोई बेल दी, कोई नारियल दिया, कोई सामान दिया? नहीं। इस व्यासपीठ से केवल एक बात कही कि शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, उसके दरवाजे जाते रहोगे वो तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। बिना भभूति बिना बेल बिना नारियल के भी ये दुनिया के पत्र ये भरे पड़े हुए हैं और इससे दुगने ये नीचे रख, उससे दुगने। ये बिना भभूति के और बिना पत्र बिना नारियल के और बिना बेल ये पत्र जिसमें केवल और केवल तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा विश्वास और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। मन में संशय हो यहां से पूरे पत्र उठाकर ले जाओ, पूरी सभा में बांटो इस कथा के मंडप में। इसमें मोबाइल नंबर भी है, इसमें एड्रेस भी है और उसका नाम भी है जिसको मेरे बाबा ने बिना भभूति बिना बेलो बिना नरियल के प्रदान कर दिया, सब भरा है। गुरु क्या देगा? गुरु केवल दृष्टि। क्या करता है गुरु? माला जपता रहेगा, दृष्टि देता रहेगा, केवल माला जपेगा और दृष्टि देगा। वो दृष्टि मूल है, वो क्या है दृष्टि में वो जानता।
दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगाकर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो। शंकर बस जूते कपड़े जान पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, कौन कौन जम के बोलो जरा, जूते कपड़े जान पहचान वाले रिश्तेदार परिचित पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साइज के नहीं है, ये हमारे साइज के नहीं है। जूता कष्ट दे तो पहचान जाओ कि ये मेरी साइज का नहीं है, कपड़ा कष्ट दे तो समझ जाना कि ये मेरी साइज का नहीं है, और रिश्तेदार कष्ट दे तो समझ जाना कि ये तुम्हारी साइज के नहीं है। साइज देखिएगा कि ये गलत साइज का कपड़ा पहन लिया है आपने, गलत साइज का जूता पहन लिया है आपने, ये साइज के नहीं है। गलत लोगों से संबंध कर लिया आपने, ये साइज के नहीं है। जूता कपड़ा और रिश्ते नाते पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचानना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा, धन से साइज की पहचान नहीं होती, धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती, संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है, दिल से होती है, हृदय से। महाराज परतंतु कोस से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु परीक्षा लेता है, गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, कोस गया तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दे। राजा रघु ने कहा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को ब्राह्मण जन को बांटी है, मेरे पास इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से। राजा रघु ने कहा, पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं, गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए, राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए, एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है इसीलिए लेकर जा रहा है उसको, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें। इंद्र से कहा, राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया, कोस ये शमी का पत्ता है। कोस ने कहा, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा, 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा। तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया, कोस ने जैसे ही दिया बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिया है, विष पिया, किसके लिए, दूसरों के। शिव जी ने चंद्र धारण करा किसके लिए, दूसरों के। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा किसके लिए, दूसरों के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अपने लिए क्या रखा,
क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं, मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा, अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा, अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हैं? नयन दिए मेरे धर्मा बाबा ने दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहां, मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था, शिवजी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख आड़ो दया करी। शिव कथा कहती है, भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या, जवाब दोगे? अरे बोलो, तेरे नागपुर वालों पक्का? ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है? तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना उसका फल। यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा, प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पर धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है, सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं।
एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करकर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया, आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए, जरा विचार करना। सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सीवर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण, उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। इतना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है? जीजी हो नागपुर की, जीजी हो सही है। माताएं कहती है घुटने काम नहीं कर रहे, कोई कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल, दिल काम कर रहा। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता, ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। इससे Thank you.
भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए, कैसे लग? अरे खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाज रहा है। किसी किसी को होता है, जिसके कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही शिव में समाई दो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय और उसी से लगना। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, उस शिव। अभी अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता, कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता, दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है, ऊपर जेब लगाऊंगा, कभी मंदिर गया बेलपत्र लाएगा ना तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं शंकर, दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो, हमारा शंकर, हमारा ओ घड़ी दयालु दाता नजदीक हो हमारा। अभी कई कई लोग, अभी कल कथा यहां पर सुबेरे, आज की कथा तो ये 2 से 5 है, कल टीवी पर भी 2 से 5 आएगी, पर यहां पंडाल में जो कथा रहेगी वो सुबेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अब जो अहमदाबाद की कथा थी वो परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई, तो अब कथा होगी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज में, कोसी कला में, मथुरा में, 2 बजे से 5 बजे तक। अब बीच में जो समय है तो कई माताओं ने विचार करा, अच्छा हुआ हमारी कथा अच्छी थी तो हमारा मन नहीं लगता था काम में, अब बीच में जो समय मिल गया हम इसमें सफाई कर लेंगे, अब दिवाली की सफाई, अब बीच में जो समय मिला है सफाई करने का मिला। बस आपसे निवेदन है, जैसे घर की सफाई करोगे तो लक्ष्मी आएगी, दिल की सफाई रखना तो महादेव जल्दी से प्रवेश करेंगे। वो प्रवेश कर गए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूं, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे गुरुदेव। मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव, बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लाओ, लियाओ लियाओ लियाओ। मेरे यहां बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार
पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को नमन करने गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमजोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था, पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई, उसको मैं लेकर आई हूं बाबा को प्रणाम करने के। ये शिव तत्व है, ओ खड़ी दया, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास, आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरताली का तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करे, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। शादी 2014 में हुई थी, शादी के बाद कोई संतान का सुख नहीं हुआ, टेस्ट भी करवाया तो भी बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर के हिसाब से संतान के सुख का कोई क्रम नहीं दिखा, सारी जगह घूम कर आए पर औलाद नहीं हुई, खूब गोदियां भरवाई पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर बाबा का पशुपति व्रत किया और बाबा के पशुपति व्रत के साथ में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, बाबा ने कृपा करी, 2014 के बाद पहली बार गर्भ ठहरा। अब 14 से अंदाजा लगाओ 23 चल रहा है, लगभग 10 वर्ष के करीब में अगर संतान का सुख हो। गुरुदेव, संतान गर्भ नहीं ठहरा, फिर सीहोर गए, बाबा कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करा, वहां का कंकर उठा कर लिया, उसी को पूजन करते, बाबा से प्रार्थना करते, वापिस से सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बदला, फिर बदला, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं, कोई पथरी हो गई है, जांच में फिर गठान हो गई, गठान से जांच करते करते डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है पर यह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए, यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा श्रेष्ठ नहीं है। 10 वर्ष के बाद जिसकी गोद भरी हो गुरुदेव, वो बच्चा कैसे गिरा दे। हमने भी बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर आपने शमी पत्र का वर्णन किया था, वो शमी के पत्ते को हमने बाबा को समर्पित करा, वही पत्ता हमारी धर्म पत्नी के पास में रहा और बाबा की कृपा से जो संतान हुई, डॉक्टर ने कहा यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई खराबी नहीं, ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ, इस बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। 10 साल के बाद औलाद हुई है गुरुदेव, और 10 साल के बाद 2014 में संतान का विवाह हुआ था, उसके बाद से संतान सुख नहीं था। ये शिष्य कृपा, उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया होती ही ऐसी। डॉक्टर कह दिए थे कि इसको निकाल दो, ये बच्चा ठीक नहीं है, शमी पत्र का एक भाव कोई साधारण नहीं होता, सबसे दृढ़ी है आपका भरोसा, सबसे दृढ़ी है आपका विश्वास, और जब विश्वास पक्का होता है तो मेरा बाबा भी देने में कमी नहीं रखता, देने में कमी नहीं रखता। मेरी जीजियों और तथा मंडप में विराजमान मेरे सारे जीजाओं, एक बात का ध्यान लगा कर बैठना कि तुम्हारा यहां
तीन घंटा ढाई घंटा तुमने जो बाबा को दिया है ना, ये तुम्हारा ढाई तीन घंटा कभी टॉकीज को देना वो तुम्हारा व्यर्थ जा सकता है, ढाई तीन घंटा अपने परिवार को देना वो व्यर्थ जा सकता है, ढाई तीन घंटा अपने दोस्त को देना वो व्यर्थ जा सकता है, पर ये तुमने जो तीन घंटा रोज पांच दिन तक कथा सुनी ये तुम्हारी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये तुम्हारे खाते में जा सकती खाते, ये खाली ना जाएगा। मुझे तेरा ही सहारा मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं सब बोलिए झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा I'm